खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नाग नदी के बीच में हथियार से गोदा सूत्रधार अपराधी सहित दो गिरफ्तार। छह जिलों में चौथे सिरे सर्वे की शुरुआत। डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नाग नदी के बीच में हथियार से गोदा सूत्रधार अपराधी सहित दो गिरफ्तार। शहर में हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन खून खराबों की घटनाएं सामने आ रही है। मंगलवार की दोपहर कोतवाली थाना क्षेत्र में अनैतिक संबंधों के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक का पीछा कर उसे नाग नदी में मौत के घाट उतारा। इस वारदात का वीडियो व्हाट्सएप पर जमकर वायरल हुआ है और शहर में खलबली मच गई। मृतक शिवाजी नगर निवासी योगेश आनंद डोंगरे बताए गए हैं। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में सुशील उर्फ गोलू लक्ष्मण धोटे और हर्षल भगावत उमाड़े का समावेश है। फरार आरोपी ऋषिकेश उर्फ कांचा ध्रुवे बताया जा रहा है। योगेश किराना दुकान चलाता था, उसके पिता सफाई कामगार हैं। सुशील वाहन चालक है। पुलिस के अनुसार सुशील की पत्नी और योगेश के बीच अनैतिक संबंध थे। इसकी जानकारी सुशील को मिल गई थी। वह 2-3 बार योगेश को समझा चुका था और विवाद भी हुआ था। काम के चलते सुशील दिन भर घर से बाहर रहता था। शनिवार की रात सुशील की मां ने बहू और योगेश को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसकी जानकारी सुशील को दे दी। तब से सुशील उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था। डर के मारे योगेश अपने घर भी नहीं जा रहा था। 2 दिन बाहर रहने के बाद मंगलवार को योगेश अपने घर लौटा। सुशील ने खबरी को काम पर लगा रखा था। जैसे ही योगेश के घर लौटने की जानकारी मिली, वह हर्षल और कांचा को लेकर योगेश को मारने उसके घर पहुंचा। पहले उनके बीच मारपीट हुई। योगेश बचने के लिए घर से भागा। उसने बीच नदी में हथियार से वार कर योगेश को खत्म कर दिया। इसी दौरान नाग नदी के किनारे इकट्ठी भीड़ ने हत्या की लाइव क्लिपिंग बना ली। पुलिस ने योगेश को मेडिकल पहुंचाया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर 6 जिलों में चौथे सिरो सर्वे की शुरुआत। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर के सहयोगी से इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च द्वारा सोमवार से महाराष्ट्र के 6 जिलों में चौथे सिरो की शुरुआत हो गई है। इस सिरो में सर्वे के करीब 3000 सैंपल लिए जाएंगे और यह पता किया जाएगा कि कितने इस वायरस से प्रभावित होकर चले गए हैं। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया, तो वहीं हजारों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वायरस ने जकड़ा, लेकिन किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं हुई है, यानी वे वायरस से संक्रमित हुए और उन्हें पता भी नहीं चला। उक्त व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। सीरो सर्वे में यह पता किया जाता है कि वायरस किस हद तक फैला है। चौथे सीरो सर्वे के नोडल ऑफिसर और स्टेट सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर प्रदीप आउटे ने बताया कि सीरो सर्वे के लिए 6 जिलों का चयन किया गया है। वहीं तीसरी ओर डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत। विरार के अरनल पुलिस स्टेशन क्षेत्र स्थित समुद्र में डूबने से एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार अंधेरी के काजूवाड़ी गणेश सोसाइटी निवासी ऋषु मोरे नामक 10 वर्षीय 20 जून को अरनाला समुद्र किनारे पर गया था और उसी दौरान पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई। उक्त मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।